नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 10 साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल का उदाहरण है? तो देखिए, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, तो ये एक प्रकार का क्या है? प्रबल अम्ल का उदाहरण है। जबकि फार्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH, जबकि एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। यानी कि ये जो तीनों अम्ल जो हैं, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, ये एक प्रकार के दुर्बल अम्ल हैं। ये किस प्रकार के अम्ल हैं? दुर्बल अम्ल हैं। और जो सल्फ्यूरिक जो अम्ल है वो एक प्रकार का प्रबल अम्ल का उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। दूसरा देखिए, कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन है? तो देखिए, जो चांदी जो है, यानी कि जो सिल्वर जो है, वो विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक है। यानी कि, और इसका जो सिंबल है वो है Ag। अर्जेंटम यानी कि सिल्वर विद्युत की सबसे ज़्यादा चालक धातु है। अगला है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो क्लोरीन जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 17, और पहले सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे सेल में 7, और इसकी जो संयोजकता जो है वो होती है -1। कितनी होती है? -1। यानी कि इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु जो संख्या है वो है 17, यानी कि जो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, पित्त कहाँ स्त्रावित होता है? तो देखिए, जो पित्त जो होता है, बाइल जूस जो होता है, वो हमारे यकृत में यानी कि हमारे लीवर में स्त्रावित होता है, यानी कि लीवर में बनता है। और कहाँ इकट्ठा होता है? ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में। कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय, जिसके हम गाल ब्लेडर भी कहते हैं। और ये पित्ताशय से कहाँ आता है? ये हमारी छोटी आंत तक आता है, छोटी आंत तक आता है पित्ताशय से, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आता है, गाल ब्लेडर से होता हुआ। अगला है, कौन सी क्रिया सभी सजीवों के लिए आवश्यक है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है लेकिन जंतुओं में नहीं होता है। श्वसन, तो श्वसन पेड़ पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है, और दिन में भी होता है और रात में भी होता है, जबकि चलन और इनमें से कोई नहीं। तो रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन है वो सभी के लिए आवश्यक है, यानी कि सजीवों का विशेष गुण है, अनिवार्य। ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस प्रश्न का। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी या अन्य स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास 10 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला, निम्न में से नर युग्मक है? तो देखिए, नर युग्मक कौन होते हैं? शुक्राणु होते हैं। कौन होते हैं? शुक्राणु। तो यहाँ पे नर युग्मक कौन हुए? शुक्राणु, ओके। जबकि मादा अंडाणु जो क्या होते हैं, यानी कि मादा युग्मक कौन है? मादा युग्मक है अंडाणु। तो यहाँ पे नर युग्मक शुक्राणु, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्म भी कहते हैं। और जो ओवम अंडाणु को क्या बोलते हैं? ओवम या एग सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो जो भ्रूण जो है उसका विकास गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में, यानी कि यूटेरस में होता है, यानी कि गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकास। वो जिस संरचना से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं प्लेजेंटा, यानी कि प्लेजेंटा या प्लेसेंटा कहते हैं उसको, अपरा भी कहते हैं, ये इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में अपरा भी कहते हैं। और भ्रूण इस अपरा की सहायता से ही पोषक तत्व ग्रहण करता है, यानी पोषक लेता है। तो यहाँ पे अगला है, फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यानी कि अंडवाहिनी में होता है निषेचन। निषेचन यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है फेलोपियन ट्यूब में। और अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु यानी कि मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी किसे कहते हैं, यानी कि जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों एक साथ होते हैं, तो ये केंचुए में होते हैं। यानी कि केंचुए में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों ही होते हैं, इसलिए ये क्या है? उभयलिंगी है। क्या है ये?
उभयलिंगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कुत्ता, बिल्ली और बकरी, ये सब क्या है, ये एक लिंगी है। क्या है ये सब? एक लिंगी, यानी कि इसमें नर अलग होगा और मादा अलग होगा, जबकि केंचुए में नर और मादा दोनों ही जनन तंत्र एक ही जीव के अंदर होते हैं। एक लिंगी पौधे का उदाहरण है, यानी कि ऐसा पौधा जिसमें केवल या तो मेल है या फिर फीमेल है। तो ये देखिए, सरसों, उड़द और गुड़हल, ये तो है उभयलिंगी, यानी कि इसमें दोनों ही तरह के नर जनन पार्ट भी होते हैं और मादा जनन पार्ट भी होते हैं। जबकि पपीता जो है वो एक प्रकार का एक लिंगी है, यानी कि नर पौधा अलग होता है और मादा अलग होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पपीता। अगला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में मनुष्य का जो हृदय है वो एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का जो हृदय है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि 72 टाइम पर मिनट, यानी कि हमारे हार्ट बीट। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो देखिए, जो कार्बन जो है ये 6 नंबर पे आता है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4, तो इसकी जो संयोजकता होती है 4। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए, यानी कि 4 इसकी संयोजकता है। अगला, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम सोर्स क्या है, यानी कि अंतिम स्रोत क्या है? तो देखिए, एनर्जी का जो अंतिम स्रोत है सूर्य, क्योंकि जितने भी चाहे सजीव हो, चाहे भले शाकाहारी हो या मांसाहारी हो या सर्वाहारी हो, सभी के लिए जो एनर्जी का सोर्स कौन है? सूर्य। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं, और उसी भोजन के ऊपर सभी निर्भर होते हैं। तो जो अंतिम सोर्स क्या है? सूर्य है। अगला है, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? लोहे का, सिलिकॉन का, तांबे का और चांदी का। तो यहाँ पे सिलिकॉन धातु का यूज किया जाता है, सिलिकॉन जो कि अर्धचालक होती है, सिलिकॉन जो कि इसका एटॉमिक नंबर 14 है और इसकी वैलेंसी भी 4 है, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शीरा, रंध्र, मध्य शीरा और हरित लवक। तो देखिए, पत्ती जो होती है उसकी सतह के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, यानी कि रंध्र कहते हैं, यानी कि इस तरह के रंध्र होते हैं पत्ती के ऊपर। ये रंध्र हैं और ये रंध्र हैं, और ये जो बाहर हैं इसको गार्ड सेल कहते हैं, यानी कि ये जो है गार्ड सेल, यानी कि द्वार कोशिका की लती है। तो यहाँ पे रंध्र की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन। ये श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में इसका उल्टा करते हैं, CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। तो यहाँ पे रंध्र यानी कि स्टोमेटा की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? तो ये इंसुलिन जो हार्मोन है वह रक्त में शर्करा को कंट्रोल करता है, और ये जो इंसुलिन जो हार्मोन है ये अग्नाशय जो ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि जो कि मिश्रित ग्रंथि है, इसकी जो बीटा कोशिका है वो, यानी कि इसके लैंगर हैंस ऑफ जो द्वीप हैं, लैंगर हैंस द्वीप, इसकी जो कोशिकाओं के जो ग्रुप होते हैं उसको लैंगर हैंस द्वीप कहते हैं, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। तो जो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका लैंगर हैंस द्वीप द्वारा इंसुलिन, जो आइसलेट ऑफ द लैंगर हैंस द्वारा इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, ये क्या, ये हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, यानी कि डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन की कमी से। स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा कौन से तत्व होते हैं? तो देखिए, जो स्टेनलेस स्टील है उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, साथ ही साथ कार्बन होता है। तो ये 4 धातुओं से बनता है स्टेनलेस स्टील। तो देखिए, यहाँ पे आयरन और कार्बन की बात की गई, तो यहाँ पे निकल और क्रोमियम 2 अन्य धातु और भी होगी, जब जाके स्टेनलेस स्टील बनेगा। सबसे अधिक तन्य धातु है, तो देखिए, 1 ग्राम जो सोना है यानी कि गोल्ड जो है उसको 2 किलोमीटर लंबा तक ताना जा सकता है, यानी कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी यानी कि सबसे ज़्यादा तन्यता होती है सोने की, यानी कि गोल्ड की। 1 ग्राम सोने को, इतना सा 1 ग्राम होता है, उसको 2 किलोमीटर लंबा तक खींचा जा सकता है। अगला, 1 यूनिट विद्युत किसके बराबर होती है?
तो देखिए एक यूनिट विद्युत जो होती है एक वाट इंटू घंटा 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट घंटा 1 जूल, तो यानी कि 1 किलोवाट घंटा होती है 1 यूनिट के बराबर। तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है 1 यूनिट किसके बराबर, 1 यूनिट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं तो 36 × 10^5 वाट इंटू सेकंड बराबर जूल, और इसका हम पॉइंट लगाएंगे तो 10^6 जूल के बराबर, यानी कि एक जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 3.6 × 10^6 जूल के बराबर। नेक्स्ट देखिए, किसे रासायनिक संदेश वाहक कहते हैं, उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो जो हार्मोन जो होते हैं नलिका विहीन यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा छोड़े जाते हैं और सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं, और ये सूचनाओं को टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं, यानी कि संदेश वाहक होते हैं, रासायनिक संदेश वाहक, और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ये छोड़े जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, तो देखिए फार्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH, और यहाँ कार्बन की संख्या एक ही, तो इसका IUPAC नाम होगा, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे अपन मेथेनोइक अम्ल, तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम होगा मेथेनोइक अम्ल। और एथेनोइक अम्ल किसका IUPAC नाम है, ये है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH का। प्रोपेनोइक अम्ल ये है C2H5COOH का IUPAC नाम। और ब्यूटेनोइक अम्ल अगर हम बात करें तो ये है C3H7COOH इसका IUPAC नाम। तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल जिसमें चींटी का डंक भी होता। अब अगला है क्रियात्मक समूह और संरचना सूत्र और इनके अनुलग्न। तो देखिए एल्कोहल जो होता है इसमें एल्किल जो समूह होता है कोई सा भी हो सकता है, इसमें मेथिल यानी कि CH3 हो सकता है, C2H5 एथिल हो सकता है। अगर उसके पीछे इस तरह का ग्रुप है यानी कि OH लग रहा है, क्या लग रहा है, OH, तो यानी कि ये है एल्कोहलिक ग्रुप। और एल्डिहाइड में क्या होता है, इसमें होता है CHO, तो यानी कि RCHO ये जो है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप में एल्किल समूह है यानी कि दो एल्किल समूह हैं और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य इस तरह से डबल बॉन्ड है तो वो कीटोनिक है। एस्टर जो है इसमें RCOOR है तो ये एस्टर है। और एसिड वाला जो ग्रुप है इसमें R यानी कि एल्किल समूह के साथ COOH है यानी कि इस तरह से है COOH यानी कि, तो वो है एसिड। तो देखिए OH तो इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, पीछे पीछे ओल लगेगा, क्या लगेगा, ओल, जैसे मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो वो है एल्कोहलिक यानी कि एल्कोहल है। अगर CHO है पीछे, अगर मान लीजिए जैसे HCHO तो ये क्या है, मेथेनेल यानी कि इसके पीछे क्या लगेगा, एल लगेगा, क्या लगेगा, एल। और अगर कीटोनिक ग्रुप है RCO इस तरह का बॉन्ड है तो इसके पीछे लगेगा ओन, क्या लगेगा, ओन, जैसे CH3 यहाँ पे भी CH3 और ये, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। अगर इस तरह का ग्रुप है तो इसमें एट लगता है, एस्टर वाले ग्रुप में पीछे एट लगता है, जैसे यहाँ पे अपन कर देते हैं मान लीजिए C2H5COOCH3 तो यहाँ हो जाएगा मेथिल प्रोपेनोएट यानी कि मेथिल प्रोपेनोएट। और इसमें अगर RCOOH है तो R या एल्किल समूह हम अगर CH3 रख देते हैं तो CH3COOH यानी कि इसका पीछे जो अनुलग्न है ओइक अम्ल लगता है, इसमें क्या लगता है, ओइक अम्ल, क्या लगेगा, ओइक अम्ल, जिससे इसका नाम है दो कार्बन है तो इसको बोलेंगे एथेनोइक और अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो यह है जो IUPAC नाम के लिए कुछ बातें थी यहाँ पे आपको बताई कुछ फॉर्मूले के लिए। तो यहाँ पे अपन आसानी से इस तरह के फॉर्मूले लिख सकते हैं, जैसे अपन मान लीजिए सिंपली अगर कीटोनिक इसकी अगर अपन सिंपली अगर अपन बात करें हाइड्रोकार्बन की सिंगल बॉन्डेड वाले यानी कि जो आपके सिंगल बॉन्डेड वाले
तो उनमें जैसे CH4 है सिंपल है, जैसे C2H6 है ना, जैसे C3H8 है, तो ये सब क्या है कि आपके सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होंगे या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और इनमें लगेगा पीछे इन लगेगा, क्या लगेगा? इन, इनमें पीछे लगेगा इन, और इनमें पीछे लगता है आइन, और इनमें पीछे लगेगा एन। तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, मेथेन, यानी कि पीछे एन लग रहा है, इसका नाम हो जाएगा एथेन, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो जाएगा एथीन। और इस तरह से अगर इस तरह का बॉन्ड है तो ये हो जाएगा, इसमें आयन लगेगा तो ये हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। तो इस तरह की इनकी सिंपल जो फॉर्मूले है CnH2n+2 है, इसका जो फॉर्मूला है CnH2n है, और इसका जो फॉर्मूला है CnH2n-2 है। तो ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं अगर इनके आपको फॉर्मूले या नाम दिए जाए तो। थैंक यू, आई होप ये जो क्लास है आपके लिए या जो वीडियो है बढ़िया मस्त रहा होगा, और सारे क्वेश्चन आपने सुने होंगे। धन्यवाद, और इसको लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक, अन्य स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए।